कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को बिठाया भैंस के ऊपर। जी हां, खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां आज युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों की वृद्धि के खिलाफ रिक्शे पर बाइक लादकर कलेक्ट्रेट के प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं सुल्तानपुर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष वरुण मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की पीड़ा नहीं सुनाई देती। आज 59 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार 50 से अधिक किसानों ने अपने जान दे दी है, लेकिन मोदी सरकार भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस लगी बहुराए। जी हां, जैसा काम कर रही है, वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुत्ते का पिल्ला मर जाता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन 59 दिन से 50 से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। किस तरीके का आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं? देखिए, पूरे विश्व में इस समय जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ना हो, इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोगों ने, युवा कांग्रेस ने, महंगाई और डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। आज आप देश के प्रधानमंत्री को एक भैंस पे बना हुआ पोस्टर दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है और बहुत बड़ी तार्किक बात है। सीधी सी बात है, आज देश का किसान 59वां दिन है, सड़कों पर है और प्रधानमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग में मशगूल हैं। उनको ये समझना चाहिए कि इस देश का अन्नदाता अगर सड़क पर रहेगा तो हम देशवासी खाएंगे क्या। आज 60 दिन हो गए, 60 दिन पूरे 2 महीने बीतने को हैं और सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही है। सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही है। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। मोदी जी के आगे पिछले 60 दिनों से किसान त्राही त्राही कर रहा है, रो रहा है। 50 से अधिक किसानों ने अपनी जान दे दी है और मोदी सरकार भैंस पर बैठी, भैंस की तरह सिर्फ जुगाली कर रही है, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। आगे कर दिया है तोमर जी को, तोमर जी आते हैं रोज़ एक नया फार्मूला बताते हैं। मोदी जी का एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मुझे कुत्ते के पिल्ले मर जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। जिनको कुत्ते के पिल्ले मर जाने पर इतने कष्ट होता है, आज देश का किसान, 60 से ज़्यादा मौतें हो चुकी उस किसान आंदोलन में और मोदी जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। मेरा ये मानना है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए।